नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 84 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। दिसंबर और जनवरी में होगी सीटेट की परीक्षा। दिवाली छठ में गिफ्ट दिया तो प्रत्याशियों की बढ़ेगी मुश्किलें। देशभर में हुनर दिखाने का सुनहरा मौका। पाकिस्तान से पिछले साल का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 84 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने विभिन्न डिसिप्लिन में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के कुल मिलाकर 84 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर और मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रतन कुमार सिन्हा की। रतन कुमार सिन्हा एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2015 तक भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इससे पहले रतन कुमार सिन्हा मई 2010 से जून 2012 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के निदेशक रह चुके हैं। अपने 4 दशकों के करियर के दौरान रतन कुमार सिन्हा ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम के लिए परमाणु रिएक्टर के डिजाइन और विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। रतन कुमार सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1951 को बिहार में ही हुआ था। दिसंबर और जनवरी में होगी सीटेट की परीक्षा। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार सीटेट परीक्षा देने वाले युवा 31 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है। इस एग्जाम के लिए सामान्य और ओबीसी के स्टूडेंट्स पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 1,000 रुपये या दोनों पेपर 1,200 रुपये देना होगा। इसके अलावा एससी एसटी और विकलांग कोटि के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये देने होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड आयोजित की जाएगी। हालांकि अब तक इस परीक्षा को लेकर सेंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सीबीएसई का कहना है कि सेंटर पहले आओ पहले पाओ पर आधारित होगी। वहीं अगर कोई उम्मीदवार भुगतान करने के बाद भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके द्वारा किए गए भुगतान के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बता दें कि सीटेट की मान्यता अब आजीवन कर दिया गया है। यह परीक्षा 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पेपर 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवार को 1 से लेकर 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा, तो वहीं पेपर 2 में सफल होने वाले उम्मीदवार को 6 से 8 तक के लिए शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। जगन्नाथ मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बोधगया में महाबोधि मंदिर से उत्तर में 25 फीट की दूरी पर स्थित जगन्नाथ मंदिर बिहार का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मुख्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा की भव्य विग्रह मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर परिसर में राम जानकी मंदिर की भी स्थापना की गई है, जो नवनिर्मित है। मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है और साथ ही यहाँ एक पीपल का पेड़ देखने को मिलेगा, जो काफी समय से मंदिर परिसर में है। प्राचीन परंपरा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में हर एक दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच महाप्रसाद भगवान को भोग के बाद भक्तों के बीच वितरण होता है। इसमें रविवार से शुक्रवार तक चावल, दाल, सब्जी, पापड़ आदि और शनिवार को खिचड़ी का भोग बनता है। प्रत्येक वर्ष जून जुलाई के महीने में उड़ीसा स्थित जगन्नाथ पुरी से रथ यात्रा के आरंभ के साथ बोधगया स्थित जगन्नाथ मंदिर से भी रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। दिवाली छठ में गिफ्ट दिया तो प्रत्याशियों की बढ़ेगी मुश्किलें। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव की नज़र प्रत्याशियों की गतिविधियों पर है। खास तौर पर उन प्रत्याशियों पर जो दीपावली और छठ पूजा में अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट भेंट करते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि प्रत्याशी गिफ्ट देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आयोग इस बात पर अपनी पूरी नज़र रखेगी कि प्रत्याशी किसे क्या गिफ्ट दे रहे हैं, देने वाले उस गिफ्ट की कीमत क्या है। इन सभी चीज़ों का चुनाव आयोग के द्वारा आकलन किया जाएगा। वहीं अगर वैसे गिफ्ट मिलते हैं जो वोट को प्रभावित कर सकता है तो उस प्रत्याशी पर आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यय प्रेक्षक ने कहा कि गोपालगंज में प्रवेश के सभी मार्गों में स्टैटिक सर्विलांस टीम के अधिकारियों को लगाया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर 3 स्टैटिक पॉइंट बनाया गया है, जहां पर 3 शिफ्टों में अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि 24 घंटे मार्ग से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रख सके।
अंडर 25 मेंस प्लेयरों का सिलेक्शन ट्रायल 26 अक्टूबर को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले अंडर 25 मेंस सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले पटना के प्लेयरों के लिए चयन प्रक्रिया 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके लिए ट्रायल सुबह 9 बजे से YCC स्पोर्ट्स एकेडमी पर आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी पटना जिला क्रिकेट संघ के तदर्थ समिति के सदस्य रहवर आब्दीन के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला पटना जिला क्रिकेट संघ की समिति में वर्चुअल बैठक में की गई है। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता संयोजक राकेश कुमार के द्वारा दी गई है। टीम के चयन के लिए एक समिति को भी गठित किया गया है। चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेकर जाना होगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस और एज प्रूफ डॉक्यूमेंट भी लाना होगा। दिवाली के मौके पर राज्य में बढ़ सकती है ठंड। बिहार में मॉनसून समाप्त होने के बाद हल्की ठंडी हवाएं लगातार चल रही है। राज्य में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, जिसके कारण धीरे धीरे ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, साथ ही आसमान साफ रहेगा। राज्य में इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं हवा की रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौसम विभाग के द्वारा जारी ताज़ा अपडेट के अनुसार दिन के समय राज्य का तापमान सामान्य रहता है। वहीं राजधानी पटना में 22 अक्टूबर के दिन न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। देश भर में हुनर दिखाने का सुनहरा मौका। भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली तथा शिक्षा मंत्रालय से जुड़े विभिन्न संस्थानों की ओर से 3 दिवसीय ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्रों और शोधार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आलेख प्रतियोगिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रित प्रश्नोत्तरी होगी। कार्यक्रम के निमित्त पटना वुमेन्स कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि AC एवं गुरु एम रहमान कोचिंग में फाउंडर गुरु रहमान ने प्रतियोगिता के पोस्टर का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम का विषय शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत है, जिसके तहत छात्रों के लिए 2 तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शिक्षा नीति प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का समय 5 नवंबर को शाम 5 बजे ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी। छठ की तैयारियों को लेकर घाटों पर दिखा पूरा प्रशासन। छठ की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बीते दिन सुबह 6:30 बजे से ही जायजा करने में जुटे रहे। इस दौरान उन्होंने घाटों का जायजा की शुरुआत दीघा पाटी पुल घाट से की गई, जो कि राजपुर पुल घाट तक जारी रही। जिला पदाधिकारी के द्वारा 5 किलोमीटर में 3 घंटा तक 13 घाटों का उन्होंने एक एक कर पैदल भ्रमण किया तथा गंगा का जल स्तर, घाट निर्माण के साथ साथ सभी योजनाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं DM डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 5 दिनों में गंगा नदी के जलस्तर में लगभग 1 मीटर से 15 सेंटीमीटर की कमी आई है। उन्होंने कहा कि गंगा घाटों की स्थिति को देखते हुए छठ व्रतियों का श्रद्धालुओं की के लिए प्रशासन द्वारा तेज गति से तैयारी की जा रही है। जैसे जैसे जलस्तर में कमी आ रही है, वैसे वैसे अप्रोच पथ के निर्माण एवं घाटों पर आवश्यक व्यवस्था तथा प्रबंधन के कार्यों को किया जा रहा है। बढ़ते डेंगू के मामले के बीच बच्चों का रखे खास ख्याल। बिहार में डेंगू की स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। डेंगू के डंक से बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, इस बीच बच्चों का खास ख्याल रखना होगा। विशेषज्ञों की माने तो डेंगू से पीड़ित बच्चों में सबसे ज्यादा 5 वर्ष से छोटे बच्चों को ज्यादा परेशानी है। वहीं बिहार में बुखार से पीड़ित कुल बच्चों में 75% बच्चे डेंगू के डंक से पीड़ित हैं, जिसमें कि 15% बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है। ऐसे में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर बच्चे को तेज बुखार 2 दिनों से ज़्यादा हो, बुखार दवा देने के बाद कम होता हो और तेज बुखार आता हो, सिर दर्द, शरीर पर लाल दाने के निशान हो, तो ऐसे में डॉक्टर से तुरंत मिले, लापरवाही ना बरतें, इससे परेशानी बढ़ सकती है। शेयर बाजार में इस मामले में बिहार सबसे आगे। शेयर बाजार को लेकर बिहार के लोगों में खास रुचि जग गई है। बता दें कि बिहार ने देश के अन्य सभी राज्यों को छोड़ दिया है। राज्य में शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों की संख्या में 116% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि सभी राज्यों से ज्यादा है। वहीं अगर बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल की बात करें तो इन सभी के सालाना वृद्धि बिहार की तुलना में काफी कम है। वहीं अगर देश के सालाना ग्रोथ की बात करें तो देश में सालाना ग्रोथ 57.8% है। हालांकि अभी बिहार राज्य का 2.5% लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बिहार से मात्र 31 लाख लोगों ने शेयर बाजार में अपनी रुचि दिखाई है और डीमैट अकाउंट खुलवाया है, जो कि पिछले वर्ष से 4% अधिक है।
बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर ठग गिरफ्तार। जितनी तेजी से हम सभी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर ठगों की संख्या भी बढ़ रही है। अच्छे अच्छों को यह साइबर ठग चकमा देकर लूट रहे हैं। इस बीच नालंदा पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह मामला मानपुर थाना क्षेत्र के पलनी गाँव का है, जहाँ पुलिस ने मनोज कुमार उर्फ बैदा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिन सदर DSP डॉक्टर शिवली नोमानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि साइबर फ्रॉड करने की पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक नालंदा के दिशा निर्देशन में मानपुर थाना अध्यक्ष ने साइबर ठग के घर की घेराबंदी कर गहनता से जांच पड़ताल की। इसके उपरांत मौके वारदात से मोबाइल सेट, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर एवं ग्राहकों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर अंकित कुल 27 पेज वाला दस्तावेज सहित 6,70,000 रुपए नगद एवं जमीन खरीदने के कुल 15 निबंधित डीड एवं अन्य सामान बरामद किए गए हैं। PU के बाद अब BRABU में छात्र संघ चुनाव की आहट। पटना यूनिवर्सिटी के बाद BRA बिहार विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। स्नातक पार्ट 1 में नामांकन पूरा होने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे 4 साल के बाद यह चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। मतदाता इस बार EVM से मतदान कर सकेंगे। बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामकृष्ण ठाकुर ने बताया कि 1 महीने में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लिंग 2 कमेटी के अनुसार कराया जाएगा। छात्र नेताओं से भी चुनाव से पहले विचार किया जाएगा। सेना में इन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेना में धर्म शिक्षक की बहाली जूनियर कमीशन अधिकारी के लिए पैन इंडिया में होगी। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस पद पर आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 6 नवंबर 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बता दें कि धर्म शिक्षक सेना धार्मिक ग्रंथों से प्रवचन करते हैं और विभिन्न रेजिमेंटों या यूनिटों की धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उनके कार्यों में सैन्य अधिकारियों, सैनिकों और परिवारों को धार्मिक प्रवचन देना, उनके कल्याण की धर्म शिक्षक के रूप में अंतिम संस्कार कराना आदि शामिल है। इसके लिए लिखित परीक्षा 26 फरवरी 2023 को होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। शहरी केंद्रों पर बदतर हो रही एयर क्वालिटी। बिहार में त्योहारों से 2 दिन पहले वायु गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है, जिसमें राजधानी पटना समेत दूसरे बड़े शहरी केंद्र भी शामिल हैं, जहां AQI खराब जोन में है। बता दें कि शनिवार यानी कि कल शाम 5 बजे तक बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिले में AQI का हालत बहुत खराब रहा। वहीं सबसे ज्यादा जिस स्थान पर AQI दर्ज किया गया है, उसमें मुंगराहा का मॉनिटरिंग सेंटर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि AQI को कई वर्गों में बांटा गया है और उसी के अनुरूप वायु गुणवत्ता पर इसका क्या असर पड़ेगा यह निर्धारित किया जाता है। अगर AQI का रेंज 50 होता है तो वह बहुत अच्छा होता है। वहीं सबसे खराब तब होता है जब AQI का रेंज 401 से 500 होता है। भाजपा और राजद में लगी रोजगार देने की होड़। बिहार में इन दिनों सत्ता और विपक्ष दोनों ही रोजगार देने में लगी हुई है। इन दिनों नीतीश और शाह के बीच शह और मात का खेल जारी है। एक और जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में लगभग 10,000 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया, वहीं बीते दिन इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले के तहत दर्जनों अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। वहीं कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, वहीं कॉलेजों में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके बावजूद लोगों को नौकरी देने की बात कह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार शिक्षा के अभाव में लोगों को कैसे नौकरी दे पाएगी। जदयू का दावा, जदयू राजद का गठबंधन आजीवन, 2024 में नजर नहीं आएगी BJP। सवाल यह उठता है कि बिहार की सत्ता में 7 बार दल बदल चुके नीतीश कुमार पर कोई कैसे भरोसा कर ले कि अब वो हमेशा के लिए राजद के साथ गठबंधन में रहेंगे। दरअसल इन सवाल के कयासों पर पूर्ण विराम लगाया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि जदयू और राजद का गठबंधन आजीवन जारी रहेगा। इसको लेकर लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे संगठन कमजोर होने वाली नहीं है या टूटने वाला नहीं है। भाजपा का इस बार बिहार और बंगाल से सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को भी उठाया, कहा कि कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। 2024 के लिए भाजपा के पास कोई बेसिक मुद्दा नहीं रह गया है। जनता सब समझ गई है और अगले लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी।
सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी गिरफ्तार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि 20 सितंबर को डाक के माध्यम से सुशील कुमार मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सुशील मोदी ने कदमकुआ थाना में आवेदन दिया था। आवेदन किए जाने के बाद इसकी धमकी भरे पत्र की जाँच एवं सत्यापन के लिए कदमकुआ थाना पुलिस अधीक्षक पश्चिम बंगाल स्थित बर्धमान जिला जाकर सत्यापन किया, जहाँ उन्हें जाकर पता चला कि जिसके नाम से यह पत्र भेजा गया है उसे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है और वह सुशील मोदी को जानती भी नहीं है। इस बात की पुष्टि करने के लिए वर्धमान कोर्ट के लॉ क्लर्क असमत शेख से भी पूछताछ की, जिसके बाद यह पता चला कि सुदीप्तो कुमार राय के द्वारा प्रायः किसी को परेशान एवं फंसाने के उद्देश्य से इसी तरह की धमकी भरा पत्राचार किया जाता है। दिसंबर में फिर बिहार आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। बता दें कि इस बार वह दिसंबर के महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस दौरान वे नालंदा से दिसंबर में बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। फिलहाल अभी तक नालंदा दौरे को लेकर तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि अमित शाह दिसंबर के पहले सप्ताह में आ सकते हैं। अमित शाह के इस दौरे को लेकर ऐसी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह उनके इस दौरे के समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बीजेपी की नज़र 2024 में बिहार के लोकसभा की सीट पर है, जहाँ वे चाहते हैं कि लोकसभा की अधिक से अधिक उन्हें प्राप्त हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अमित शाह के इस नालंदा दौरे का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार देने पर शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी को घेरा। बिहार की सरकार में आने के बाद तेजस्वी यादव के द्वारा लाखों बेरोजगार को नौकरी देने की बात कही गई, जिसे लेकर अब पूर्व उद्योग मंत्री बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने शनिवार यानी कि बीते दिन तेजस्वी यादव को निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां बांटी जा रही हैं, ये एनडीए की सरकार में ही बांटी जानी थी। ये नौकरी देने का प्रोसेस एनडीए सरकार के नेतृत्व में ही शुरू की गई थी। इसमें आज की महागठबंधन की आरजेडी सरकार का कोई रोल नहीं है। इस बात को आरटीआई से जानकारी निकालकर साबित कर सकते हैं। एनडीए में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन में भी वही हैं। हमें उनके नौकरी बांटने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस नौकरी को बांटने का जो तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं उस पर आपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी की रोजगार मॉडल वाली बात पर तंज कसते हुए कहा कि ये नौकरियां कोई फैक्स मशीन है क्या कि उन्होंने एक कलम से साइन किया और नौकरियां बाहर निकल कर आ गई। नौकरियां देना पूरी तरह से प्रोसेस के साथ होता है और ये भी प्रोसेस पहले से होता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में 1764 को पराजित हुआ। बीबीसी रेडियो ने 1922 में दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान स्वतंत्रता सेनानी और कर्नाटक वीरांगना रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में हुआ। सन 1908 में मैसूर के महाराजों के सहायक सचिव मिर्जा इस्माइल का जन्म 1883 में हुआ। श्रमिक नेता खंडू भाई देसाई का जन्म 1898 में हुआ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का जन्म 1923 में हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का जन्म 1937 में हुआ। एक भारतीय उद्योगपति समाजसेवी और भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का जन्म 1957 में हुआ। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का निधन 1623 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह का निधन 1962 में हुआ। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी नेली सेन गुप्ता का निधन 1973 में हुआ। काशी के प्रसिद्ध साहित्यकार भोला शंकर व्यास का निधन 2005 में हुआ। लोकप्रिय संगीतकार गायक और संस्कृति कर्मी भूपेन हजारिका का लंबी बीमारी के बाद 2011 में निधन हो गया। पाकिस्तान से पिछले साल का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। भारत अपने अभियान की शुरुआत चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। यह हाई वोल्टेज मुकाबला आज यानी रविवार 23 अक्टूबर को खेला जा रहा है, जो कि दोपहर 1:30 बजे से खेला जा रहा है। पिछले साल यूएई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में इसी तरह भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था और भारतीय टीम को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। यह पहला मौका था जब टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों किसी भी विश्व कप में हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले कभी भी विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को नहीं हराया था। विश्व कप की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का सामना कुल 13 बार हुआ है, जिसमें सिर्फ एक बार पाकिस्तान ने बाजी मारी थी। इसमें 50 ओवर वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप दोनों शामिल हैं। मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। अगर आप फोन में देखना चाहते हैं तो आज का मैच आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नीतीश राज के मेडिकल कॉलेजों में ना डॉक्टर और ना इलाज।
नीतीश राज में बिहार के मेडिकल कॉलेज में ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही किसी प्रकार की जांच होती है। बता दें कि नीतीश सरकार मेडिकल कॉलेज का भवन, संसाधन की उपलब्धता और मशीनों को लगा चुकी है, लेकिन मरीजों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे हालात के बावजूद भी जदयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार एवं प्रवक्ता अभिषेक झा ने यह दावा किया है कि स्वास्थ्य सेक्टर में बिहार ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। उनका कहना है कि 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी कई आंकड़ों में बिहार ने गुजरात से कई बेहतर प्रदर्शन किया है और बिहार का यह बेहतर प्रदर्शन नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय और बिहार की जनता के प्रति सेवा भाव का परिणाम है, न कि धन की बदौलत। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए फ्लाइट से जा सकेंगे तीर्थयात्री। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि 30 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए देवघर एयरपोर्ट से पटना तक विमान सेवा शुरू होने की संभावना है, जिसकी अनुमति एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है। विमान सेवा के शुरू होने को लेकर DGCA के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 72 सीटर यात्री विमान सुबह 11:05 पटना एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगी और दोपहर 12:10 में देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। वहीं अगर वापसी की बात करें तो वापसी में यह फ्लाइट 12:30 में देवघर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगी और 1:35 में पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। मिली जानकारी के अनुसार यह फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन आवागमन करेगी। अब व्हाट्सएप में अपनी तस्वीर की जगह लगा सकते हैं अवतार। व्हाट्सएप बीटा यूजर्स के लिए नया फीचर जारी हुआ है। इस फीचर की मदद से आप अपनी प्रोफाइल फोटो की जगह फेसबुक पर अवतार सेट कर सकते हैं। साथ ही आप इन अवतार का इस्तेमाल चैटिंग में स्टिकर की तरह भी कर सकते हैं। इस फीचर को फिलहाल चुनिंदा बीटा यूजर्स के लिए जारी किया गया है। इस फीचर को आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप सेटिंग में जाना होगा। यहां आपको अकाउंट के नीचे अवतार का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका अवतार तैयार हो जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, इमरान खान, श्याम कुमार, विकी कुमार, मंगिता भारती, धर्मेंद्र चौहान, नुन्नू कुमार, धीरज कुमार हिरानी, अतीक खान, सूरज कुमार, राजेश सिंह, राजवीर चंदन और उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार पाकिस्तान को हराकर रोहित आर्मी जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप का आगाज कर पाएंगे या नहीं। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।